यातायात पुलिस के साथ ड्यूटी कर रहे एसएएफ जवान बिसंबर दयाल गोस्वामी को रॉन्ग साइड आ रही महिला उसके पति ने ना सिर्फ काली कलौजी देकर झड़क दिया बल्कि महिला सेवानी ने बिसंबर दयाल गोस्वामी नामक एसएएफ जवान को थप्पड़ भी मार दिया। पुलिस ने एसएएफ जवान की शिकायत पर अब गदाईपुरा राठौर चौक में रहने वाली सेवानी सोलंकी उसके पति पवन सोलंकी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने वाली काली कलौज और सैनिक के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। दरअसल संदिग्ध सोनी स्थित तिवारी अस्पताल के नजदीक ट्रैप को पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी कर रहे थे तभी एक्टिवा गाड़ी पर अपने पति पवन सोलंकी के साथ सिवानी गलत दिशा में घुस गई। रोकने पर वह अभद्रता करने लगी। उसने बिसम्बर दयाल नामक एसएएफ कर्मचारी को थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद गाली गलौज करती हुई अपने पति के साथ स्कूटर पर बैठकर फरार हो गई। इंद्रेन पुलिस ने आरोपी महिला उसके पति की तलाश शुरू कर दी है। थाना इंदरगंज के अंतर्गत ट्रैफिक की चेकिंग लगी हुई थी। उस दौरान हमारे एक होमगार्ड सैनिक के साथ में पति पत्नी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उसको चेकिंग से रोका गया और उसकी मारपीट भी की गई। एक थप्पड़ महिला के द्वारा मारा गया और जो कि शासकीय कार्य में बाधा की एक FIR होमगार्ड सैनिक की तरफ से दंपत्ति के खिलाफ हमने पंजीबद्ध की है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इसका सर वीडियो भी सीसीटीवी हम कंगाल रहे हैं और आसपास के लोगों ने घटना को देखा भी है। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई इनकी भी जांच कर रहे हैं लेकिन दोनों पति पत्नी के द्वारा जो मारपीट की गई है और जो शासकीय कार्य में बाधा की गई है उसका हमने एक अपराध पंजीबद्ध किया और जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेंगे। किस वाहन से जा रहे थे? ये एक्टिवा से जाना बताया है और चेकिंग के दौरान रॉन्ग साइड पर ले जाने को लेकर के जो भी मुँह बाद हुआ उस पर से उसको प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने ये घटना।